हैं या स्पेशली जो फार्म की जो लाइफ है वो इंडस्ट्री इजी बनाया एक्सक्यूज मी गया सर, है। जी बता। अस्सलाम वालेकुम सर, वकील रहमान बात कर रहा हूँ। वेलकम। सर कोई स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं आ रही। बता बाकी तो कौन कौन है जिनको आवाज नहीं आ रही? तो जीआर को आवाज़ नहीं आ रही इस टाइम। अब आ रही है सबको सर आवाज? सर उसको मेरी आवाज आवाज़ आ रही है, आपकी नहीं थी आ रही। आ रही? अब कोई आ रही है नेट सबको? इशू भाई हो के वैसे आप अगर किसी को नहीं आ रही तो देन इट्स मीन्स के ये को किसी का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर टेक्निकली कोई फॉल्ट हो तो फिर किसी को भी ना जाए। से हो सकता है, क्योंकि उसका मेरी आवाज आ रही है, आपकी नहीं थी आ रही। अब आ रही है? चलें सर, अगर ये है कि अगर आप लेक्चर रिकॉर्ड करें तो बाद में रिकॉर्डिंग हमें शेयर कर दीजिएगा। चले मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बाद में ना। थैंक यू सो मच सर। अरे आप लोगों ने पहले ये है कि जो है वो इसको लेक्चर को पूरा सुनना है, अगर किसी के कोई पॉइंट्स वगैरह हो तो वो आपने नोट करते जाना साथ साथ, और एट द एंड जो है फिर हम इसको करेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो क्वेश्चन आंसर उसमें हो जाएगा ना। ठीक हो गया जी? काइंडली जो है ओके ये सर, फायजा अली, ठीक फायजा आरफ, आरिफ उस्मान, अपने माइक्स जो है ये सारे इसको म्यूट करें। इसका क्वेश्चन होगा वन बाई वन, वो अपना माइक अनम्यूट करके और टर्न बाय टर्न चलेगा। इज दैट क्लियर? सर। यस सर। आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 इज इंजन कंपोनेंट्स। कि आपका कोई भी जो मैकेनाइजेशन का मतलब होता है, कोई भी ऐसी चीज़ उसमें लेबर इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम से कम हो, आप चीज़ों को आपकी डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम हो, तो उसमें हमारे स्पेशली फार्म लेवल पे जो हमारा जो मेजर जो कह लें कि सोर्स ऑफ पावर होता है जो मैकेनाइज चीज़ों के अंदर, वो इंजन होता है। अगर ट्रैक्टर चल रहा है तो वो भी इंजन पे चल रहा है। उसके अलावा अगर जो है आपका क्या कहते हैं कि कोई और कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए आपको अदर पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती, उसके साथ ही अटैच होता है, लाइक हम उन्हें सेल्फ ओपेड कहते हैं, तो उसका उसका भी जो है उसका भी जो सारा सोर्स ऑफ पावर और सारी जो वर्किंग है वो एक इंजन के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है। तो इसलिए आज जो है हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो इंजन है उसके जो है वो वर्किंग पार्ट्स, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इंजन आप कहते हैं किसको है? वो कहते हैं कि इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल। अ फ्यूल आपका कोई भी किसी भी टाइप का हो सकता है, वो वुड हो सकता है, कोल हो सकता है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, जो इसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। बाई विच प्रोसेस? वो बाई कम्बस्टन हो सकता है। अब कम्बस्टन जो है, अब आपके जो इंजन्स हैं हम उनको डिफरेंट बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है उसकी चार जो है उसकी टाइप्स जो है जिस बेस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है वो मेंशन की हुई है। नंबर वन क्या है? इग्निशन प्लेस। इग्निशन प्लेस मींस कि ये जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है ये उस इंजन के अंदर उसकी जो इग्निशन है, जो बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, जब ये एक फेज ऑफ एनर्जी से दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में जो है वो चेंज हो रही है, वो एक्सटर्नल कम्बस्टन एक्सटर्नली कर रहा है या इंटरनल कम्बस्टन हो रही है, ये चीज की नंबर वन टाइप। और नंबर टू है, हम इंजन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो फ्यूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल। अब उसमें लाइक आपका पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। अगर पहले पहले स्टीम इंजन जो था, ये ट्रेन्स वगैरह चलती थी तो वो स्टीम था, मतलब सोर्स ऑफ फ्यूल की बेस पे भी आप इंजन्स को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि आपका जो इंजन है उसकी बेसिकली उसके नंबर ऑफ स्ट्रोक्स क्या है। अब स्ट्रोक आप किसे कहते हैं? स्ट्रोक की बेसिकली डेफिनेशन होती है कि आपका जो एक इंजन है उसका एक पावर स्ट्रोक उसके कितने साइकिल के बाद कंप्लीट होता है। अगर तो आपका जो पिस्टन है उसके दो जो है वो साइकिल के बाद आपको पावर एक पावर स्ट्रोक जनरेट कर देता है, दैट्स मीन फिर वो कौन सा इंजन होगा? वो टू स्ट्रोक होगा। अगर आपका जो पिस्टन है वो चार साइकिल्स के अंदर एक पावर स्ट्रोक जनरेट करता है, देन हम उसे कहेंगे कि ये फोर स्ट्रोक इंजन है। तो हम इसको इसके स्ट्रोक की बेसिस पे भी जो है वो क्लासिफाई करते हैं। और नंबर फोर है हमारे पास फ्यूल इग्निशन मेथड। अब इसमें इंजन्स के अंदर जो फ्यूल की जो इग्निशन है, जो इंटरनल कम्बस्टन इंजन है, दो तरह की होती है, एक स्पार्क इग्निशन है, दूसरी
कंप्रेशन इग्निशन है। अब स्पार्क इग्निशन जो होती है वो सिर्फ पेट्रोल इंजन के केस में होगी, और कंप्रेस्ड इग्निशन जो है वो डीजल इंजन के केस में होती है। तो नेक्स्ट अब इसमें हमारे पास है कि इंजन के ये जो है ये आपको फिजिकली शो किया हुआ है कि इंजन के पार्ट्स या कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसमें। अब ये जो आपके पास ये इसे कहते हैं इंजन सिलेंडर, या इसे हेड भी आप जो ऊपर से ये वाला नज़र आ रहा है इसको आप इंजन हेड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्रैंक शाफ्ट है आपके पास, ये वाला जो है ये आपके पास क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। ये आपके पास इसके जो है इसको आप कहेंगे कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो ये इंजन के डिफरेंट, ये वाली जो है ये कैम शाफ्ट है, ठीक है। तो ये इसके जो है इंजन पार्ट्स है। तो नेक्स्ट जो है अब हम अभी ये कहता है कि फॉलोइंग आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इंजन। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इंजन ब्लॉक आ जाता है आपका, सिलेंडर आ जाता है, फिर स्लीव या लाइनर आ जाता है, उनको अलाउ कर दें, सिलेंडर हेड है, उनको अलाउ कर, पिस्टन है, एक सेकंड मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही अलाउ की। चलें सर, तो इसमें हमारे पास पिस्टन रिंग्स हैं, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, फ्लाई व्हील है, इनलेट वॉल्व है, एग्जॉस्ट वॉल्व है, और फ्यूल इंजेक्टर और ऑटोमाइजर। ये होगा जस्ट आपके डीजल इंजन के केस में, ठीक है। और स्पार्क प्लग जो है ये आपके होगा सिर्फ पेट्रोल इंजन के केस में। अब नेक्स्ट ये देखें, ये यहाँ पे जो है आपको एरोस के साथ जो है ये उसकी जो एक जो सिलेंडर है उसकी ये डेमोंस्ट्रेशन आपको दी हुई है कि ये वाला जो है ये आपका ये पिस्टन है। आप लोगों को कर्सर की मूवमेंट नजर आ रही है? यस सर। यस, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये देखें ये जो लाइंस हैं इन्हें हम पिस्टन रिंग कहते हैं, ठीक है। ये वाला कनेक्टिंग रॉड है इसके अंदर, ठीक है। ये जिसके साथ अटैच हुआ हुआ है ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो है ये इसे हम ऑयल पैन या ऑयल सम कहते हैं, जहाँ पे इसके अंदर जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो इसके अंदर जमा होता है। ये इंजन ब्लॉक है, ठीक है। और ये ऊपर जो है ये इसके वॉल स्प्रिंग ये वाला, ठीक है, जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये आपका रोकर आर्म है, ये पुश रॉड है इसका, ठीक है, ये वाला दिस वन, ठीक है। ये कैम शाफ्ट है, ठीक है। बेसिकली कैम शाफ्ट जो है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो जो आपकी ये जो वॉल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है कि किस टाइम पे हमने कौन सा वॉल जो है वो ओपन करना है और कौन सा वॉल जो है उसको क्लोज करना है, ये उसको कंट्रोल कर रही होती है। इस चीज़ को कैम शाफ्ट, आपकी जो वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग को जो कंट्रोल करता है उसे आप क्या कहते हैं, कैम शाफ्ट। और ये सारी चीज़ें जो जिसके साथ ये जिसके अंदर अटैच हैं उसको आप कहेंगे इंजन ब्लॉक, ठीक है। ये जिसके साथ ये सारे पार्ट जो हैं ये असेंबल हुए हैं, ये एक आपका जो है ये चार सिलेंडर का जो है ये उसका एक आपको जो एक साइड पे पूरा उसका जो वो व्यू दिया हुआ होता है। अब इसके अंदर ये देखें ना, ये दो तरह के इसके अंदर ये वॉल्व हैं, ठीक है। इसमें एक इसका इनलेट वॉल्व है, दूसरा इसका एग्जॉस्ट वॉल्व है, ठीक है। इनलेट वॉल्व मीन कि आपका जो है जहां से इसके अंदर जो है आपका फ्यूल जो है वो सिलेंडर हेड के अंदर जो है वो उसके अंदर इन होगा, और एग्जॉस्ट वॉल्व होता है जहाँ से आफ्टर जो है पावर स्ट्रोक जनरेट होने के बाद जो कम्बस्टन जब हो जाती है तो वहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह जनरेट होती हैं वो वहाँ से एवैक्यूएट होती हैं, ठीक है। ये पूरा जो आपको इन्होंने ये चार जो इंजन के चार इसके जो चार स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है, नंबर वन जो है फॉर एग्जाम्पल सक्शन स्ट्रोक, नंबर टू फिर इसमें होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, और नंबर थ्री इसमें होता है आपका पावर स्ट्रोक, और नंबर फोर होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक।
ये चार इसके अंदर जो है वो जो आपका जो ये पावर जनरेशन का जो सिस्टम है, ये चार स्ट्रोक जो होते हैं। अब टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि टू स्ट्रोक वाले में ये चार, ये सारा जो प्रोसेस है वो आपके पिस्टन के दो जो साइकिल्स होते हैं उसके अंदर जो है वो दो मूव्स के ऊपर मुकम्मल कर लेता है। मतलब दो चीज़ें एट अ टाइम प्रोसेस काम, दो स्ट्रोक्स एट अ टाइम हैपन हो रहे होते हैं। और फोर स्ट्रोक के केस में ये होता है कि एक चक्कर के अंदर, उसके एक साइकिल के अंदर एक जो है वो ये वाला प्रोसेस होता है, एक में सक्शन होगी, दूसरे में कंप्रेशन होगी। जब तीसरी दफ़ा जो है आपका सिलेंडर जो ऊपर से नीचे मूव करता है तो उसमें पावर जनरेट होगी और फोर्थ में जाके एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो अवैक्यूएट करेंगी। ये जो है ये आपका ये एक जो है ये पूरा जो है उसका एक क्या कहते हैं, एक जो सिलेंडर होता है उसका उसने पूरा बताया हुआ है कि ये देखिए ये नीचे सबसे नीचे ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट के साथ आपका कनेक्टिंग रॉड जो होता है अटैच, उसे आप ये क्रैंक पिन कहते हैं, ठीक है। ऊपर ये वाला जो है ये आपका ये पिस्टन के साथ यहाँ से कनेक्टिंग रॉड जो अटैच होता है उसको आप गैजन और रिस्ट पिन कहते हैं। ये जो आपको गोल सर्कुलर नज़र आ रहा है ये आपका पिस्टन है। अच्छा, अब ये आपको ये डॉटेड लाइन जो ऊपर नज़र आ रही है ये वाली, इसको TDC बोलते हैं। TDC स्टैंड फॉर टॉप डेड सेंटर। दैट्स मीन कि जब ये आपका आपके जो पिस्टन की जो मोबिलिटी है अपवर्ड वो मैक्सिमम यहाँ तक होगी, इससे ऊपर आपका पिस्टन जो है वो मूव नहीं कर सकता, इसलिए इसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर। अब आपका ये सिलेंडर हेड और टॉप डेड सेंटर के दरम्यान वाला ये वाला जो डिस्टेंस है दिस वन, इसको आप कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं आप? क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो दूसरा ये वाला जो नीचे वाली जो डॉटेड लाइन है जहाँ पे ये मेरा कर्सर आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसे कहते हैं BDC। एंड BDC स्टैंड्स फॉर बॉटम डेड सेंटर। दैट्स मीन कि आपका पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड मैक्सिमम यहाँ तक मूव करेगा, इससे नीचे नहीं जा सकेगा। अब ये आपका TDC और जो BDC के दरमियान वाला जो एरिया है इसको आप कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको आप क्या कहेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। कहाँ से? TDC टू BDC, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के जो दरमियान वाला एरिया है इसको आप क्या कहेंगे? ये एरो आपको शो कर रहा है ये क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। और सिलेंडर हेड और BDC के दरमियान में जो ये वाला सारा इसकी स्पेस है उसको आप क्या कहेंगे? सिलेंडर वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब हो गया कि सिलेंडर वॉल्यूम या कैपिटल वी विल बी इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ऐसे ही है ना कि स्ट्रोक वॉल्यूम बच्चों को अलाउ कर दें, जी बेटा बच्चों को अलाउ कर दें, एक दो आए हुए हैं। कर दिया है ठीक हो गया जी। ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम विल बी इक्वल इक्वल टू द सिलेंडर वॉल्यूम। ये तो थी कुछ इस तरह की जो आपके ना ये टर्म, और ये वाला जो इसका ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला ये इस सारे को आप कहेंगे सिलेंडर हेड, ठीक है। और ये इनटेक आर, ये वाला जो वॉल्व है ये ब्लू जो है, ब्लू जो शो कर रहा है ये आपका इनटेक आर सक्शन वॉल्व या सक्शन मैनिफोल्ड, जहाँ से इसके आपके सिलेंडर के अंदर जो है आपका फ्यूल या एयर एयर फ्यूल मिक्सचर या एयर या जो भी आना है वो यहाँ से इसके अंदर इन होगा। और ये जो रेड वाला है ये इसकी जो है आपका इसको एग्जॉस्ट वाल्व आप कहेंगे, जहाँ से जो है आफ्टर जनरेशन ऑफ द पावर स्ट्रोक जो है आपकी जो गैसेस बर्निंग के केस में जो रिजल्ट बर्निंग के रिजल्ट में जो सारी गैसेस जो एमिट जो प्रोड्यूस होती हैं वो यहाँ से एवैक्यूएट करती हैं, तो इसको आप कहेंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। नेक्स्ट है अब हमारे पास कि इंजन ब्लॉक क्या होता है। ये आपको इंजन ब्लॉक की जो है वो डायग्राम इसके साथ ये नज़र आ रही है। वो कहता है कि दिस इज़ द मेन कंपोनेंट इन द इंजन सिलेंडर।
आर ओवरहॉल्ड इन द इंजन ब्लॉक एंड इट कैरीज द वाटर। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपको ये स्मॉल ये वाले छोटे छोटे ये वाले जो सुराख नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये होल्स फॉर पुश रॉड, मतलब इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर से जब आपका सिलेंडर हेड का जो सिलेंडर कवर जब ऊपर लगेगी जहाँ से आप इसको बंद करेंगे, वो इसके अंदर आपके जो स्टड्स जो होती हैं वो थ्रेड या ये थ्रेड स्टड होल्स जो नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से आप उनको जो है वो टाइट करते हैं, स्क्रू लगाते हैं, ताकि ये क्योंकि ये बड़ा जब इसके अंदर आपका स्पेशली ये कंप्रेशन वाला स्ट्रोक जब ये जनरेट होता है तो अंदर जो है बड़ा प्रेशर बिल्ड होता है इसके अंदर ना एट हाई टेम्परेचर, तो ये उसको उसकी इसके ऊपर जो सिलेंडर हेड का जो ऊपर कवर जो लगा होता है वो यहाँ से आप जो है ये थ्रू स्क्रूज जो है या ये इसके अंदर थ्रेड्स होती हैं तो इसको आप बंद करते हैं ऊपर से ना। तो कहते हैं कि स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर सपोर्टिंग द क्रैंकशाफ्ट। अब ये जो है इसके अंदर ये वाली जो नज़र आ रही है आपको ये वाला ये नीचे जो कहता है मेन बेयरिंग सपोर्ट क्रैंकशाफ्ट, इसके अंदर आपकी जो है वो नीचे वाला ये सुराख यहाँ पे आपकी क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो इसके अंदर लगी होती है। ये आपके चार सिलेंडर्स हैं, ये आपको ऊपर जो बड़े चार सुराख नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके चार सिलेंडर्स हैं और ये इन स्टड्स के साथ ये जो ये बॉर्डर लाइन पे ये जो है इन्हें आप वाटर जैकेट्स कहते हैं। इसके अंदर क्योंकि ये इसके जब ये बर्निंग हो रही होती है एट हाई टेम्परेचर होता है क्योंकि आपका ये कास्ट आयरन और ये दूसरा जब हाई टेम्परेचर पे इसको आप रखते हैं तो इससे इसके डी साइज होने का ख़तरा होता है कि इसका जो डाया है वो कम हो जाए सुकड़ के या बढ़ जाए, तो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर वाटर जैकेट्स मतलब इसके अंदर वाटर कैपिलरीज होती है जिनके अंदर पानी मूव करता रहता है, ठीक है, या अगर कूलेंट भी आपको यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आप आपकी ये गाड़ियाँ हैं इसके अंदर आप जो है वो रेडिएटर के अंदर वाटर की बजाय कूलेंट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, तो वो कूलेंट की भी जो है वो स्पेस होती है इसके अंदर। अंडर हेड के जो दरमियान वाला जगह इसके दरमियान में जो जगह होती है इसको आप क्या कहते थे क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, तो ये क्या कहता है, क्यों कहता है कि दिस द प्रॉपर नेम इज इसका जो सही एग्जैक्ट जो इसको प्रोनाउंस किया जाता है इसको इसको हम कहते हैं इंजन हेड। अब यहाँ पे ये इसके अंदर ये देखिए कहता है कि स्प्रिंग क्लोज वॉल, ये आपके जो वॉल्स हैं ये इसके ऊपर ये रोकर आर्म है, ठीक है, ये रोकर आर्म का इसका पुश रॉड है, ठीक है, तो ये जो है ये देखें ये इसके अंदर ये वॉल्स लगे हुए हैं, हर हर सिलेंडर के ऊपर दो दो वॉल्स होंगे, ये फोर सिलेंडर है तो ये इसके अंदर एट वॉल्स है, एक इनटेक वॉल्व, एक इनटेक और दूसरा एग्जास्ट, ठीक है, तो ये साइड के ऊपर ये देखें ये एरो कॉर्नर पे आपको शो कर रहा है कि स्टड होल, यहाँ से जो है आप इसको जो है उस इंजन ब्लॉक के साथ ऊपर इसको टाइट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर, कहते हैं कि आप बैरल शेप कंपोनेंट विच प्रोवाइड स्पेस फॉर द इग्निशन ऑफ द फ्यूल एंड हाउसेस पिस्टन, ठीक है, अब अंदर से बेसिकली ये एक बैरल नुमा एक हॉलो एक कह लें कि सिलेंडर होता है ये, ठीक है, अब इसका सिर्फ इसका पर्पस क्या होता है, ये इसके अंदर पिस्टन मूव कर रहा होता है और ऊपर से ये कंबस्टन के लिए पिस्टन इसके अंदर मूव कर रहा होता है किसकी हेल्प से, कनेक्टिंग रॉड की, ठीक है, और इसके ऊपर टॉप में क्या होता है सिलेंडर स्लीव या इसके पिस्टन के साइडों पे सिलेंडर स्लीव या सिलेंडर लाइनर, ताकि जो इसकी फ्रिक्शन जो है पिस्टन की मूवमेंट से सिलेंडर की वॉल्व के साथ, अब ये वाला जो ये सारा ये जो स्ट्रक्चर है ये सिलेंडर है, ठीक है, मतलब एक गोल बैरल शेप जो कंपोनेंट है जो अंदर से हॉलो होता है, ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं सिलेंडर। अब इसके अंदर जो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, और ये सिलेंडर लाइनर और स्लीव्स, इनका काम क्या होता है कि एक तो सिलेंडर की वॉल्व के साथ फ्रिक्शन कम से कम हो और सेकेंडली सिलेंडर की साइड के ऊपर से ये जो आपका इसके अंदर जो इसका जो प्रेशर यहाँ पे जो बिल्ड होता है या जो आपका फ्यूल आता है वो पिस्टन की साइडों से इसे कह लें कि ये एयर टाइट करने के लिए इस्तेमाल होती है ये चीज़ जो है ये सिलेंडर लाइनर जो है ये यूज़ होते हैं ताकि ये यहाँ से आपका जो प्रेशर है वो लीक ना हो सके या ज़ाया ना हो।
अब नेक्स्ट हमारे पास पिस्टन है, ये आपके पास ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये पूरा ये पिस्टन है। कहता है कि पिस्टन इज अ कंपोनेंट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग इंजन पंप्स। ये मतलब बिल्कुल आपका जिस तरह आपने अगर इरीगेशन में या वैसे आपके घरों में जिन्हें आप ये इन कॉमनली जो है आपके ये नीचे से पानी ये वासा की लाइन में लगाया होता है कि वो पानी को जस्ट प्रेशराइज करके ऊपर टैंकी के अंदर आपको स्टोर करते हैं, ठीक है, वो जो है वो आपके क्या है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होते हैं। इसकी बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट होती है अप एंड डाउन, ठीक है। तो कहता है कि ये सिलेंडर के अंदर ये लगा होता है और इसको ये कहता है इट इज गैस टाइट बाय पिस्टन रिंग्स। अब इसके ये साइड पे ये जो आपको स्लॉट्स या ग्रूव्स जो नजर आ रही हैं इसके अंदर ये पिस्टन हम जो है वो प्लास्टिक की जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं पिस्टन रिंग्स। इनका मकसद मैंने आपको बताया क्या होता है कि इसको पूरा सिलेंडर को एयर टाइट करना ताकि फ्यूल या जो प्रेशर है उसकी लीकेज ना हो। कहता है इन एन इंजन इट्स पर्पज इज टू ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम एक्सपेंडिंग गैस इन द सिलेंडर टू द क्रैंकशाफ्ट वाया पिस्टन रॉड एंड कनेक्टिंग रॉड। अब इसका काम क्या है क्योंकि इसके अंदर इसके टॉप पे जब फ्यूल आएगा और जब पावर स्ट्रोक जनरेट होता है तो देन यहाँ बर्निंग होती है, बर्निंग से पावर या फोर्स जनरेट होती है, वो इसको पुश करता है इसकी मूवमेंट नीचे। अब जब नीचे की तरफ ये मूव करता है ये नीचे वाला इसका जो नीचे वाला जो बिगर एंड है ये कनेक्टिंग आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है उसके साथ अटैच हुआ होता है, फिर ये क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करता है। इसी तरह जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है उससे जो आया है आगे पावर थ्रू क्रैंक शाफ्ट आपके पूरे जो इंजन है उसको मिलती है। अब ये प्योरली आपका जो पिस्टन है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब पिस्टन का जो ऊपर वाला बिल्कुल टॉप होता है इसको आप पिस्टन हेड कहते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो ये इसकी ये आपको जो लाइंस शो कर रही हैं इन्हें रिंग ग्रूव्स कहते हैं। इसके अंदर आपके जो हैं वो सेंडर लाइनर या सेंडर रिंग्स होते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो इसका ये वाला हिस्सा है लाइनर के नीचे वाला इसको आप स्कर्ट कहते हैं, पिस्टन स्कर्ट, ठीक है। और ये जहाँ पे ये जो आपकी पिस्टन पिन जो होती है जहाँ से कनेक्टिंग रॉड आपके पिस्टन के साथ ज्वाइंट हो रहा होता है जुड़ा होता है उसको आप पिस्टन पिन बोर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक पिन लगी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है आपका कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जो है वो ज्वाइंट हुए होते हैं। अब ये जो पिस्टन रिंग्स हैं ये देखें ये आपको ये नजर आ रहे हैं, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये इस आपको इस पिक्चर में भी नजर आ रहे हैं और ये नीचे भी देखें यहाँ पे ऊपर दो हैं और एक ये नीचे नजर आ रहा है। कहता है पिस्टन रिंग्स एन ओपन एंडेड रिंग दैट फिट इनटू अ ग्रूव ऑन द आउटर डायमीटर ऑफ द पिस्टन। मतलब यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ये फिट होते हैं। इन आर रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है मतलब जो अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है, सच एज एन इंटरनल कंबस्टन इंजन आर स्टीम इंजन। कहता है द थ्री मेन फंक्शन ऑफ द पिस्टन रिंग्स इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन आर सीलिंग द कंबस्टन स्लैश एक्सपेंशन चैम्बर। मतलब ये जो आपका ऊपर वाला जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है जहाँ पे कंबस्टन हो रही होती है उसको एयर टाइट करना, ठीक है, वहाँ से जो है उसके अंदर बाहर से जो है इंटरनल एक्सटर्नल एयर या उसके अंदर से बाहर ना आए ना जाए उसको सील करना। सपोर्टिंग हीट ट्रांसफर फ्रॉम द पिस्टन टू द सिलेंडर वॉल। कि आपका अगर ये आप क्योंकि इसके अंदर कंबस्टन हो रही होती है तो अगर ये सिलेंडर आपका जो पिस्टन होता है इसका हेड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से गर्म हो जाता है तो इनका क्या काम होता है कि ये हीट डेसिपेट करते हैं पिस्टन से सिलेंडर वॉल्स के साथ। और सिलेंडर वॉल के बाहर क्योंकि आपको मैंने बताया है कि वाटर कैपिलरीज होती है वहाँ पे वाटर मूव कर रहा होता है और सिलेंडर वॉल से जो आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है वो वाटर या आप कोई कूलेंट जो यूज़ करते हैं उसके थ्रू जो है उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है, ठीक है। एंड नंबर थ्री है रेगुलेटिंग इंजन ऑयल कंजम्पशन। कि आपका इसके अंदर ये जो है वो लुब्रिकेशन सिस्टम भी होता है।